नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के कार्यकारिणी समिति भवन कक्ष में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक किया गया, जिसमें कार्यकारिणी ने दो पार्षद प्रदीप कुमार एवं प्रेमचंद्र श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन पर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए महापौर द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी कार्यकारिणी सदस्य सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। वहीं बैठक में अपर नगर आयुक्त द्वारा कार्यसूची के नगर निगम का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 37,334.10 लाख तथा व्यय का अनुमान 37,354.90 लाख प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 2022-2023 जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 37,825.30 लाख तथा व्यय का अनुमान 45,254.85 लाख का है, कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सूचित करते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इस बैठक में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, जियाउल इस्लाम, राजेंद्र तिवारी, बबलू कुमार गुप्ता, संजय यादव, राम लवट निषाद, अभिमन्यु मौर, संतराज शर्मा, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप तक मेरी जानकारी का से है शासन द्वारा, इस मंत्रालय द्वारा या डायरेक्टर द्वारा कि चुनाव समय को हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल 6 महीना चल रहा है, 8 महीना और चुनाव, तो हम लोग का बजटवा पर ख्याल आपका शांतिपूर्वक हो जाता है। और हम सब कहते हैं कि महापौर जी ने पार्शियलिटी नहीं की, सबके साथ समान व्यवहार समान तरीका एडॉप्ट किया। आज दिनांक 16/4/22 को प्रारंभ की जा रही है। बैठक की कार्यसूची में सबसे पहला बिंदु है श्री प्रदीप कुमार माननीय पूर्व पार्षद जी का शोक प्रस्ताव। माननीय महापौर जी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे और हम उनका एक और होगा। और दूसरा बिंदु भैया 1995 वोट के वार्ड नंबर 7 के माननीय पूर्व पार्षद श्री प्रदीप कुमार दिनांक 16/1/22 को तथा पूर्व पार्षद श्री प्रेमचंद श्रीवास्तव का दिनांक 13/2/22 को आकस्मिक निधन हो गया। नगर निगम के माननीय पार्षदगण, समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण शोक प्रस्तावित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिग्वंत आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। 2 मिनट हम लोग मौन रहते हैं। कोई संशोधन करना होगा तो लिख करके देगा। एक तो हम सजेशन दे आपको, काम ठीक नहीं होगा, नियम विरुद्ध हो जाएगा, हम संशोधित बोर्ड की बैठक में कर देंगे। नहीं कर रहे हैं ना सोमवार, देखिए कुछ बिंदु है हम बजट के बता दें। कागज था जी, क्या हुआ? कुल आय होगी हमारी 55,53,30,000 रुपये, जो नगर निगम के विभिन्न मदों से हमारे यहाँ आए हो, और
शासकीय अनुदान जो हमें प्राप्त हुआ बजट के बारे में बोलने के लिए मजी जा रहे हैं। साठ में जिस्ट बोली है लेकिन चिट्ठी पर 21 बार इसमें प्राप्तियों का अनुमान रुपये 37,334.10 लाख अब गए का अनुमान रुपये 39,115.90 लाख मानवीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष 11,000 अतः कृपया मानवीय कार्यकारिणी के समक्ष अनुमान स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं। इसमें हमारा प्रारंभिक अवशेष है 17,702.05, निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ इसमें कर प्राप्तियाँ करिश्चर प्राप्तियाँ हैं 2,883.5 कर करिश्चर है 1,886.6 दोनों का पूरा योग है 4,770.3 शासकीय अनुदान से प्राप्तियाँ जो हुई हैं 3,031,013 अन्य प्राप्तियाँ इसके अतिरिक्त जो है 1,611 हुई कुल प्राप्तियाँ हैं 37,334.10 37,310 अभी बता दें इसमें 45,115 हाथ रखा वही 200 करोड़ का पूरे चीज करा रहा है। अगले 22-23 में इसको बंद कर दिया जाए।